हेलो डियर एस वाई बी एस सी माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स. सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कम्प्लीटेड अवर थ्री पाथवेज ऑफ बैक्टीरियल फिजियोलॉजी. सो इन दिस पी पी टी वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फोर्थ पाथवे विच इज़ फॉस्फोकेटोलेज पाथवे. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कम्प्लीटेड अवर ई डी पाथवे and here we are going to see one more pathway which is alternative to the glycolysis, which is phosphoketolase pathway. So this pathway is generally also called as heterolactic pathway, because here what happens is that here the end products are generally alcohol and the lactic acid. It is like it also joins the glycolytic pathway or the glycolysis. Just like the ED pathway, it also joins the glycolysis. That's why it is also somehow complicated to understand. But then again, if you practice, you will get perfection in it. So talking about this pathway is is involving the conversion of ribose 5-phosphate into xylulose 5-phosphate, which is the main agent. Now, when the ribose 5-phosphate is converted into the xylulose 5-phosphate, then this xylulose 5-phosphate, which is 5-carbon compound, is now going to cleave into the two compounds, which is glyceraldehyde 3-phosphate and the acetyl phosphate. And these two compounds are cleaved by the enzyme which is phosphoketolase, जिसके नाम पे इस पाथवे को नाम दिया गया है, which is phosphoketolase pathway, जो एक alternative pathway है to the glycolysis. So talking about the ketolase pathway, जो एंजाइम xylulose 5-phosphate को क्लीव करती है इनटू द 3-carbon एंड द 2-carbon कंपाउंड विच इज एसिटिल फॉस्फेट एंड द ग्लिसरलडिहाइड 3-phosphate, इसकी वजह से इसको नाम दिया गया है फॉस्फोकेटोलेस पाथवे. सो टॉकिंग अबाउट द फॉस्फोकेटोलेस पाथवे, तो इसको हेटेरोलैक्टिक पाथवे भी बोला जाता है, बिकॉज अगर आपने फर्मेंटेशन में देखा होगा तो हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटेशन जो है वो भी कैरी आउट होता है बैक्टीरिया में. तो ये जो हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटेशन है, ये कैरी आउट करने के लिए कुछ पाथवे यूज़ किया जाता है. दैट पाथवे इज फॉस्फोकेटोलेस पाथवे. तो मैं आपको स्ट्रक्चरली इसको डीप में डिफाइन नहीं करूँगी, बिकॉज इसके स्ट्रक्चर मैं आपको डायरेक्टली नोट्स में दे दूंगी. बट हियर हम जस्ट प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे कि कहाँ किस स्टेज पे कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. स्ट्रक्चरली एक्सप्लेनेशन मैं आपको नोट्स में दे दूंगी. सो हियर व्हाट हैपन इज दैट द फर्स्ट थिंग हियर इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय द की क्लीवेज एंजाइम विच इज़ फॉस्फोकेटोलेज. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉस्फोकेटोलेज के क्लीवेज के वजह से जो दो चीज़ें फॉर्म होती है, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट एंड एसिटिल फॉस्फेट, तो वो दोनों फॉर्म होती है. इसकी वजह से जो है इस एंजाइम का नाम और इस एंजाइम के नाम पे इस पाथवे का नाम दिया गया है. सो टॉकिंग अबाउट दिस फॉस्फोकेटोलेज पाथवे, इट क्लीव्स द पेंटोज फॉस्फेट. जैसे मैंने आपको बताया, झाइलुलोज का कन्वर्जन ये ब्रेकडाउन ये दो कंपाउंड्स में करता है, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट एंड एसिटिल फॉस्फेट. दे आर द मेन प्रोडक्ट्स जो आगे जाके ये पूरा पाथवे कैरी आउट करने वाले है. दे आर द मेजर कंपोनेंट्स. और ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट का आपको पता है, ये आगे जाके फिर ग्लाइकोलिसिस को ज्वाइन होगा. उसकी पे ऑफ फेज अगर आपको याद होगी तो 1,3-bisphosphate ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट, 1,3-bisphosphate फिर ग्लिसरलडिहाइड फॉस्फेट का आगे जाके क्लीवेज हो के फिर पायरुवेट फॉर्म होता है. ये आपको पता है, पे ऑफ फेज में हमने देखा था. तो यहाँ पे जो है जो सेकंड वाला जो प्रोडक्ट है ना, विच इज़ एसिटिल फॉस्फेट, वो ज़्यादा मेजर है. बिकॉज वहाँ पे क्या होगा फिर, वो जो है एसिटिल फॉस्फेट, इट विल बी कन्वर्टेड इंटू द इथेनॉल एंड द लैक्टिक एसिड. सो ये इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को जो है हेल्प करता है टू फॉर्म द लैक्टिक एसिड या तो टू फॉर्म द अल्कोहल. तो ये जनरली पाथवे इज एम्प्लॉयड मेनली बाय द हेटरोलैक्टिक बैक्टीरिया विच कैरी आउट द हेटरोलैक्टिक फर्मेंटेशन. एंड इट इज़ अब हेटरोलैक्टिक फर्मेंटेशन क्या है, इस टाइप के फर्मेंटेशन में इट इज़ अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन और द इट इज़ कैरीड आउट बाय द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया
जहाँ पे लैक्टोज हो या ग्लूकोज हो, दे दिस लैक्टोज या तो ग्लूकोज जो शुगर होती है, यहाँ पे हम ग्लूकोज का देखने वाले, तो ये जो शुगर्स होती है वो इधर कन्वर्ट होती है लैक्टिक एसिड में, और जो भी ग्लूकोनोइक एसिड हो ग्लूकोज और लैक्टोज के जो है एसिडिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसकी वजह से उनको हेटरोलैक्टिक जो है फर्मेंटेशन बोला जाता है। फर्मेंटेशन जनरली आपको पता है कि अल्कोहल फॉर्म होता ही है फर्मेंटेशन में, तो यहाँ पे अलॉन्ग विद द फर्मेंट अल्कोहल यहाँ पे एसिड भी फॉर्म होता है। तो एग्जाम्पल कौन से बैक्टीरिया में ये होता है, दे आर लैक्टोबैसिलस एंड ल्यूकोनोस लाइक ल्यूकोनोस्टिक नोस्टॉक, तो ल्यूकोनोस्टॉक एंड लैक्टोबैसिलस, इनमें ये टाइप ऑफ पाथवे होता है। तो अगर हम इस पाथवे को देखें, सो फर्स्ट वन इज़ द ग्लूकोज। जनरली हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो फर्स्ट प्रिकर्सर है, तो वो जो है ये आपको आपने जब हमने ग्लाइकोलिसिस देखा था वहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप देखा था कि ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे जो हमने देखा था कि फॉस्फोरिलेशन होता है ग्लूकोज का, उस पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है स्ट्रक्चर में, हमने देखा था। तो वो वही स्टेप है जहाँ पे हमने देखा था कि एटीपी का कन्वर्जन एडीपी में होता है, इसकी वजह से एक फॉस्फेट लॉस होता है, वो जाके ग्लूकोज से बाइंड होके उसका कन्वर्जन ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में करता है। तो ये होती है फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे एक एटीपी का जो है यूटिलाइजेशन होता है, एक एटीपी जो है लॉस होता है यहाँ पे। सो देन टॉकिंग अबाउट इट, एक फॉस्फेट ग्रुप जाके ग्लूकोज से बाइंड होता है एट द सिक्स पोजिशन, दैट इज़ वाई ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। एंजाइम हमें पता है कौन सी होती है, हेक्सोकाइनेज। तो जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट फॉर्म हुआ है, नाउ यहाँ पे आता है ईएमपी पाथवे जो हमने स्टडी किया था कि ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट का जो है कन्वर्जन होता है इनटू द सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट। तो वो जो कन्वर्जन होता है इट टेक्स प्लेस बाय यूजिंग द एंजाइम विच इज़ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम आप नोट डाउन कर लो। सो ये जो एंजाइम है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट करती है। नाउ दिस सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट जो है उसको एक्चुअली पहले फॉर्म होता है सिक्स फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। अभी यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है कि सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट फॉर्म होता है, बट इसके पहले हमने दो स्टेजेस देखी थी इन द ईएमपी पाथवे, जहाँ पे पहले सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट फॉर्म होता है। एक मिनट में आपको लिख, तो यहाँ पे पहले सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट फॉर्म होता है, सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट। सो नाउ ग्लूकोनेट एंड देन उसके बाद जो है ग्लूकोनोलैक्टोन फॉर्म होता है, एंड उसके बाद जो है सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे दो स्टेजेस होती है, बट यहाँ पे इन्होंने जो है एक ही स्टेज दिया है उन दोनों का मिला के, दैट ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इज़ कन्वर्टेड इंटू सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट। तो जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा इंटू द फर्स्ट इंटरमीडिएट विच इज सिक्स फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। नाउ लैक्टोन सिक्स फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन ये किस एंजाइम से फॉर्म होगा, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। व्हाई डिहाइड्रोजिनेस, बिकॉज सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट सॉरी ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से रिंग ब्रेक किया जाता है, जो रिंग होता है ग्लूकोज का वो ब्रेक होता है एक पोजिशन पे, और उसका जो उसमें से जो हाइड्रोक्सिल मतलब जो OH ग्रुप होता है उसमें से जो H जो होता है वो निकल के वहाँ पे डबल बॉन्ड O आता है, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। वहाँ पे OH की जगह क्या आता है, डबल बॉन्ड O, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप इंस्टेड ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसके वजह से वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज़ की जाती है। अब सिक्स फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या फॉर्म होगा, सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट। अब यहाँ पे क्या होता है, अगेन एक जो लैक्टोनेज एंजाइम है इसकी मदद से होता है, बिकॉज वहाँ पे भी जो है जो लैक्टोन का लाइक OH का जो स्ट्रक्चर होता है, एक ग्रुप होता है लैक्टोन ग्रुप, वो जो है वो रिमूव। अब मैं स्ट्रक्चरली आपको नोट्स में दे दूँगी, तब हम फिर से वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो वहाँ पे जो है लैक्टोन ग्रुप रिमूव होता है, इसकी वजह से जो हमने ईएमपी पाथवे में देखा था, इसकी वजह से इट यूजेस द एंजाइम लैक्टोनेज। अब ये हुआ सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट, अब ये मेजर हमारा कंपाउंड है और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट। अब ये जाके कन्वर्ट हुआ इंटू द राइबुलोज फाइव फॉस्फेट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे भी ना यहाँ पे दो
जो है NADPH मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुआ है. फर्स्ट एट द स्टेज ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, वहाँ पे भी एक NADPH फॉर्म हुआ, NADH फॉर्म हुआ. एंड उसके बाद 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का जब कन्वर्जन हुआ इंटू द राइबुलोज 5 फॉस्फेट, जो हमारा मेजर कॉम्पोनेंट है यार, इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हम उसको बोल सकते हैं. सो यहाँ पे भी एक NADH मॉलिक्यूल सिंथेसिस हुआ. अब आया राइबुलोज 5 फॉस्फेट, जो किससे फॉर्म हुआ अगेन, जो जो एंजाइम है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजिनेज, तो इसके वजह से क्या फॉर्म हुआ, राइबुलोज 6 फॉस्फेट. अब ये हमारा मेजर कंपोनेंट है, राइबुलोज 6 फॉस्फेट जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज ये किस में कन्वर्ट होगा बाद में, इनटू द ज़ाइलुलोज 6 फॉस्फेट. अब ये ज़ाइलुलोज एंड राइबुलोज जो है ना, दे आर द वेरी मच लाइक वी कैन से आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, वो थोड़े स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं. तो इसकी वजह से यहाँ पे एंजाइम जो है आइसोमरेज यूज़ की जाएगी, आइसोमरेज. सो इसके वजह से क्या होगा, दिस ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द राइबुलोज 5 फॉस्फेट. अब ये हमारा मेजर कंपोनेंट फॉर्म हुआ ज़ाइलुलोज, जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, कि जहाँ पे हमारी जो मेन एंजाइम है फॉस्फोकेटोलेज वो इन द फ्रेम आएगी. अभी वो आई तो वो क्या करेगी, दिस एंजाइम आई विल शो यू, दिस एंजाइम विच इज़ फॉस्फोकेटोलेज, जो हमारे पाथवे का नाम भी है, जो हेटरोलैक्टिक फॉर्मेंटेशन कैरी आउट करेगी, दिस फॉस्फोकेटोलेज केटोलेज विल स्प्लिट दिस ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट इंटू द 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स, विच इज़ दिस ग्लिसरालडिहाइड 3 फॉस्फेट एंड द एसिटिल फॉस्फेट. तो इसकी वजह से क्या होगा, 2 कंपाउंड्स फॉर्म होंगी स्प्लिटिंग की वजह से, एसिटिल फॉस्फेट एंड द ग्लिसरालडिहाइड फॉस्फेट. इस स्टेज पे जो एंजाइम यूज़ की जाती है ना, विच इज़ फॉस्फोकेटोलेज, इसके वजह से इस पाथवे को नाम दिया गया है फॉस्फोकेटोलेज पाथवे. तो ये स्टेप आप अपने दिमाग में फिट कर लो, दैट ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट इन द फॉस्फोकेटोलेज पाथवे इज़ कन्वर्टेड इंटू और इज स्प्लिटेड इंटू 2 मेजर प्रोडक्ट्स, ग्लिसरालडिहाइड 3 फॉस्फेट एंड द एसिटिल फॉस्फेट. अब ये दोनों फॉर्म हुए, यही जाके जो है आगे के रिएक्शंस करेंगे और हमारे जो फर्मेंटेशन हमने बोला या डिस्कस किया वो यहाँ पे होगा. सो नाउ व्हाट विल हैपन, सो ये ग्लिसरालडिहाइड 3 फॉस्फेट ये अपना ग्लाइकोलिसिस का पाथवे करेगा, जो हमने पे ऑफ फेज देखा वो यहाँ पे डिट्टो आएगा वैसे का वैसा, ग्लिसरालडिहाइड 3 फॉस्फेट इंटू 1,3-बेस-फॉस्फोग्लिसरेट, देन 1,3-बेस-फॉस्फो इंटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2, मतलब ये आप अगर आपको एग्जाम में आया तो आप डायरेक्टली ग्लिसरालडिहाइड 3 फॉस्फेट को डैश करके फिर उसको डायरेक्टली पायरुवेट में भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है. सो नाउ दिस ग्लाइकोलिसिस पाथवे का पे ऑफ फेज विल हैपन हियर, ग्लिसरालडिहाइड 3 फॉस्फेट जो है 1,3-बेस-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, देन 1,3-बेस-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, 2-फॉस्फोग्लिसरेट विल बी कन्वर्टेड इंटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड देन पायरुवेट विल बी फॉर्म. अभी पायरुवेट तक हमें पता है कि ये ग्लाइकोलिसिस है, इसके बाद जाके फिर लैक्टेट फॉर्म होगा जो हमारा, या फिर इसको हम लैक्टिक एसिड भी बोल सकते हैं. ये जो फॉर्म होगा दिस इज आवर फॉर्मेंटेशन प्रोडक्ट. अभी ये कहाँ से फॉर्म हुआ, फ्रॉम द ग्लिसरालडिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है, फिर भी यहाँ पे होगा एंड यहाँ पे लैक्टोज फॉर्म हुआ. अब आई सेकंड जो चीज़ है इसमें, विच इज़ एसिड, सॉरी अल्कोहल, अल्कोहल का कैसे फॉर्मेशन होगा. तो ये जो एसिटिल फॉस्फेट है जो हमने फॉस्फोकेटोलेज से फॉर्म किया है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट से, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एसिटिल को ए. एसिटिल को ए में कन्वर्ट होने के लिए उनको डीहाइड्रोजिनेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो एंजाइम अगेन आपको पता है वो OH का कन्वर्जन डबल बॉन्ड ओ में करता है. सो डीहाइड्रोजनेज यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, एसिटिल को ए फॉर्म होगा, एसिटिल को ए विल बी कन्वर्टेड इनटू द अल्डिहाइड विच इज़ इंटरमीडिएट. अगर आपको अल्डिहाइड नहीं भी याद रहा तो इम्पॉर्टेंट जो है विच इज़ इथेनॉल, तो एसिटिल को ए का कन्वर्जन इथेनॉल में होगा बाय यूजिंग द एंजाइम विच इज़ आइसोमरेज.
तो यहाँ पे नॉट आइसोमरेज सॉरी डिहाइड्रोजिनेज अगेन. सो यहाँ पे जो दो एंजाइम यूज़ की जाती है दे आर द डिहाइड्रोजिनेज, मतलब कुछ नहीं बस स्ट्रक्चरली चेंजेस होंगे. पहले एसिटिल फॉस्फेट फॉर्म होगा, देन एसिटिल को ए फॉर्म होगा, देन अल्डिहाइड फॉर्म होगा एंड देन द इथेनॉल विल बी फॉर्म्ड. तो यहाँ पे भी जस्ट स्ट्रक्चरली कुछ चेंजेस होगी एंड देन हाउ द अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड और इथेनॉल विल बी फॉर्म्ड, जो मेजर प्रोडक्ट है आपको पता है फर्मेंटेशन का. सो इट विल बी फॉर्म्ड हियर यूजिंग द एंजाइम विच इज एसिटिल फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज फ्रॉम द एसिटिल फॉस्फेट. यहाँ पे एसिटिल को ए से एसिटिल फॉस्फेट फॉर्म होगा और एसिटिल फॉस्फेट जो है इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द अल्कोहल. तो आपको पाथवे क्या याद रखना है मेजरली, फर्स्ट वन जो आपको एंजाइम भी बहुत अच्छे से याद होगी जब आप ईएमपी पाथवे अगर बाय हार्ड रीड करोगे या फिर याद रखोगे तो वहाँ के एंजाइम्स एंड ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होती है. तो इसलिए यहाँ पे एंजाइम नहीं दिए गए हैं बिकॉज दोनों के एंजाइम सेम है. तो पहले जो है ग्लूकोज का कन्वर्जन आपको पता है हेक्सोकाइनेज के मदद से ही ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में होता है. ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में होने के लिए वहाँ पे एक एटीपी यूज होता है. आफ्टर दैट ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो है इट विल बी नाउ कन्वर्टेड इनटू द सिक्स फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन. वहाँ पे एंजाइम यूज की जाती है सेकंड वन विच इज डिहाइड्रोजिनेज. अब लैक्टोनेज के मदद से ये जो सिक्स फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो फॉर्म होता है उसका कन्वर्जन जो है सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट में होता है. कुछ चेंजेस नहीं बस कुछ कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल और एडिशन होता है. तो ये जो होता है इट इज़ डन बाय द एंजाइम सिक्स फॉस्फो लैक्टोनेज, बिकॉज यहाँ पे लैक्टोन ग्रुप रिमूव होता है एंड लैक्टोन जो नेम है वो भी रिमूव होता है. सो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट. अब ये हमारा हुआ मेजर सेकंड मेजर कंपोनेंट. अब फर्स्ट मेजर और प्राइमरी मेजर कंपोनेंट फॉर्म होगा विच इज राइबुलोज 5-फॉस्फेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो इपीमरेज या फिर आइसोमरेज के मदद से इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइलुलोज, जो हमारा अगेन लाइक वी कैन से इट इज़ अ हीरो ऑफ दिस पाथवे बिकॉज वो ही स्प्लिट होगा यूजिंग द फॉस्फोकेटोलेज और वो जाके फॉर्म होगा इनटू द ग्लिसरल्डिहाइड एंड द सेकंड वन विच इज द एसिटिल फॉस्फेट. एसिटिल फॉस्फेट आगे जाके अल्कोहल में कन्वर्ट होगा एंड दिस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट वो पायरुवेट फॉर्म करेगा ग्लाइकोलिसिस का सेकंड फेज की मदद से एंड आफ्टर दैट इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द फॉर्मेंटेशन विच इज लैक्टिक एसिड. तो ये जो पाथवे है ये एक इम्पॉर्टेंट पाथवे है इन द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया. तो अगर इस पाथवे की बात करें तो यहाँ पे वी कैन से एक ही एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो गेन होता है जो सो यहाँ पे हमने देखा टोटली एक लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल मिलता है हमें, एक इथेनॉल मॉलिक्यूल मिलता है. तो यहाँ पे बस एक ही एटीपी मिलता है, वो भी कहाँ पे, व्हेन वी फॉर्म द पायरुवेट, जो हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि पायरुवेट जब फॉर्म होता है वहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट होता है उस स्टेज में, वहीं पे एक एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होगा और वहाँ ही एटीपी जनरेट होता है, बाकी जगह एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है. देन टॉकिंग अबाउट द लैक्टिक एसिड, हमें पता है कि पायरुवेट से लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, देन इथेनॉल भी फॉर्म होगा एक मॉलिक्यूल. सो दिस पाथवे हैज़ द एफिशिएंसी विच इज़ अबाउट द हाफ ऑफ द ईएम पाथवे विच इज़ ग्लाइकोलिसिस, मतलब वहाँ पे दो एटीपी फॉर्म होते हैं और यहाँ पे एक ही एटीपी फॉर्म होता है. इवन ईडी पाथवे में भी एक ही एटीपी फॉर्म होता है, टू एटीपीज आर फॉर्म इन द ग्लाइकोलिसिस ओनली. सो ये जो पाथवे है जनरली ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में फर्मेंटेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है. सो टॉकिंग अबाउट दिस पाथवे, यहाँ पे जो दी गई है मेन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द एसिटिल फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, जो जाके पायरुवेट से लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा एंड ये जो एसिटिल फॉस्फेट है इट विल बी फॉर्मिंग इथेनॉल. सो यही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो फॉस्फोकेटोलिस पाथवे में होती है, जो अल्टरनेटिव पाथवे है टू दी ग्लाइकोलिसिस अगेन. सो हियर ओनली वन एटीपी मॉलिक्यूल इज गेंड, वन एनएडीपीएच मॉलिक्यूल इज गेंड एंड लैक्टिक एसिड एज वेल एज द इथेनॉल इज फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर पाथवे. सो ये हुई बात फॉस्फोकेटोलिस पाथवे, जो बैक्टीरिया विच डज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन उनमें होता है हेटरोलैक्टिक फर्मेंटेशन.
जिनमें होता है उन्हीं बैक्टीरिया में ये पाथवे यूज़ किया जाता है. एंड अलोंग विद दिस आई विल गिव यू द स्ट्रक्चर लाइक बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड जो नोट्स होती है लाइक स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे ये होता है इन डिटेल मैं नोट्स में दूंगी आपको. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेसिक अबाउट दिस पाथवे. अगर आपको ग्लाइकोलिसिस पाथवे समझ आया है तो आगे जाके आपको सब पाथवे समझ आएंगे. सो ग्लाइकोलिसिस जो है ये जो अल्टरनेटिव पाथवे है ईडी पाथवे एंड हमने अभी जो देखा विच इज़ फॉस्फोकेटोलिसिस पाथवे, ये जो जो दोनों पाथवे है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है टू द ग्लाइकोलिसिस. इवन एचएमपी पाथवे इज आल्सो रिलेटेड टू द ग्लाइकोलिसिस. तीनों जो पाथवे है ये सब ग्लाइकोलिसिस से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं. एंड ये चारों भी आपस में रिलेटेड है. सो एंजाइम्स वगैरह आपको बहुत इजीली अगर आपको पाथवे समझ आएंगे तो एंजाइम्स भी आपके बाय हार्ट रिसाइट होंगे. फॉर दैट पर्पज़ यू नीड टू प्रैक्टिस इट अलॉट एंड परफॉर्म द लाइक written practice about this pathway so that you can get reminded of it. So I hope you have understood this pathway, and if not in the better way I will give the notes about it. Thank you.